राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है हेमलता डेली लाइफ डायरी में। और आज हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन आ रहा है। अहोई अष्टमी 2024 कब है, जाने सही डेट, महत्व और पूजा का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी 2024। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए हर साल माताएं रखती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत करते हुए शाम के वक्त श्याओं माता की पूजा करके और कथा करने के बाद तारों को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत खोला जाता है। इस अहोई अष्टमी व्रत 2024 को रखा जाएगा। आइए देखते हैं अहोई अष्टमी का महत्व और जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और तारों के निकलने का सही समय क्या है। अहोई अष्टमी 2024 डेट एंड टाइम। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है और इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। करवा चौथ के चार दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के साथ ही अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती है और अहोई माता की पूजा करती है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की भी परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं कब है अहोई अष्टमी और तारों को अर्घ देने की विधि, महत्व और मान्यताएं। अहोई अष्टमी 2024 कब है। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कृष्ण अष्टमी तिथि को भी रखती हैं और इस साल की यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम 6:06 से इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उनको गुड़ के पुए बनाकर चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी पुए का प्रसाद खिलाती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। हर प्रकार से रोगों से उनकी रक्षा होती है और श्याओं माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नज़र से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके बच्चों के कैरियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्य जल तारों को जल अर्पित करने के बाद यह व्रत खोला जाता है। अब देख लेते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं और अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोदने जा रही थी। वहां श्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। इससे श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी को बांधूंगी। अब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। अगले दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय साऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुबह सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज तो मैं आज जरूर देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता
उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता आपकी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को लेकर अपनी भाईली के पास चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू की नज़र सांप पर गई और उसने ढाल से नीचे दबाकर सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आ गया था तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, सात समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी सहेली को देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की सारी जुएं निकाल दी, इसलिए तेरे सात बेटे और सात बहुएं होंगे। तब बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, सात बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, अब तेरे सात बहुएं जरूर होंगे। तू जाकर उजमन करियो, सात अवयवी बनाकर सात कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि सात बेटे सात बहू बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने सात अवयवी अष्टमी बनाई, सात उजमन किए और सात कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तुम कुछ मान रही है, बहुत उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठाने दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी सारी कोख खोल दी गई है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू की कोख खुली, उसी प्रकार हमारे भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। अवयवी अष्टमी माता की कथा के साथ गणेश जी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। और बिंदायक जी की कहानियां सुनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।